हाँ मैंने किया है। अभी आकांक्षा ने किया, देखिए आ रहा है क्या? दिख रही हूँ मैं? अच्छा लाइव का बटन वही स्टार्ट लाइव वीडियो लिखा। हाँ अभी उसने किया है वैसा। दिख रहा है? हेलो स्टार्ट लाइव, आपने अगर लाइव का बटन ढूंढ लिया है तो उसके बाद आप वहां पर स्टार्ट लाइव वीडियो, अब आ गया है, आ गए लाइव करिए। हां ठीक, उनको लगा दीजिए और स्टार्ट करिए जी। बेस्ट ऑफ लक। ओके थैंक यू। आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है काफी लोग जुड़ रहे हैं। पल्लव है, सपना है, चंद्रशेखर है। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? नमस्ते दोस्तों, राजपाल एंड सन्स के फेसबुक पेज पे मैं आज लाइव हूँ और सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों को नमस्कार। राजपाल एंड सन्स से ही मेरी पुस्तक आई है पिघली हुई लड़की, और आज जो हम लोग बात करेंगे वो शहरी कहानियों पर बात करेंगे। तो दरअसल अगर ऐसा हम लोगों को लगता है शहरी सुनकर कि बहुत अलग ढंग की चीज़ है, या हम ऐसा सोचते हैं कि शहर अलग है, गांव अलग है, लोक अलग है, तो आज हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। सभी लोगों को नमस्कार, और लोग जुड़ते जा रहे हैं, हम लोग बात करते रहेंगे। हम अगर जब शहर की बात करते हैं तो जो हमारे दिमाग में जो चीज़ें आती हैं, हमारे दिमाग में जो चीज़ें सबसे पहले आती हैं, चकाचौंध, भीड़, दौड़ भाग, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में सबसे पहले आती हैं। लेकिन दरअसल शहर भी वैसे ही हैं जैसे गांव हैं, शहर भागदौड़ वाले गांव हैं। तो साहित्य में अगर आप देखें, एक शहर का वर्णन अगर मैं सोचती हूँ कि साहित्य में शहर कहाँ से आया होगा, तो मुझे मुर्दों का टीला याद आता है, रांगे राघव। रांगे राघव के ज़माने से शहर आज तक चला आया है। मतलब आप देखिए तो शहर गीताश्री के नॉवेल वाया मीडिया तक चला आया है। रांगे राघव ने जो लिखा था मुर्दों का टीला, वो उन्होंने मोहनजोदड़ो पे लिखा, और मोहनजोदड़ो भी एक शहर के बनने और फिर उसके बिखर जाने की कहानी है। तो उस ज़माने से हम शहर की बात करते आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि शहरी जीवन की कहानियाँ कैसी होती हैं। तो शहरी जीवन की जो कहानियाँ होती हैं, जैसे हम लोक की बात करते हैं साहित्य में, तो लोक को हम लोगों ने ऐसा सोच के रखा है कि हम, मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, कि शहर को हमने बहुत ज़्यादा, जो जीवन को है हमको लगता है कि बहुत सरलीकृत जीवन है, लेकिन शहर में अपने ज़िंदगी के तनाव हैं, अपना चैलेंजेस हैं। लेकिन सेम वही गाँव की भी स्थितियाँ हैं। गाँव में आप देखिए कि अगर आप कोई खेतिहर किसान से बात कीजिए, या वहाँ रहने वाली किसी महिला से बात कीजिए, तो उनकी अपनी दिक्कतें होंगी, लेकिन शहर में काम करने वाली महिलाएं होंगी, उनकी अलग दिक्कतें होंगी। तो मैं जो बता रही हूँ शहर की जो समस्याएं होती हैं, तो हम लोगों को बाइनरी में नहीं देखना है, साहित्य भी बाइनरी में नहीं देखना, मतलब साहित्य को भी नहीं देखना चाहिए कि हम गाँव को बहुत ज़्यादा ऐसा बना दें कि वहाँ शानदार शांतिपूर्ण जीवन है, और जीवन तो दरअसल वही है, शहरों में जीवन ही नहीं है, ये सब नहीं है। क्योंकि शहर में जैसा है, मतलब भागदौड़ है, वैसी ही गाँव में भी, गाँव के अलग चैलेंजेस हैं, वहाँ लाइट नहीं है, वहाँ नेटवर्क नहीं है,
वहाँ अलग तरह की परंपराएं हैं, वहाँ बाहर जाने के लिए आपको व्यवस्था नहीं है, आप बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है तो आपको फिर पास के कस्बे में जाना है, तो ये जो दिक्कतें हैं शहर की उन पे मैं आज बात करूंगी। तो मुझे जो शहरी कहानियां याद आती हैं, शहरी कहानियों में जो बात आती है वो जो सबसे पहले जो मुझे याद आता है, मैं जो देखती हूँ शहर को कहने के लिए, शहर का जो ढंग मैं समझ पाती हूँ, तो शहर की कहानियाँ जो होती हैं, शहरी कहानियाँ, जैसे मन्नत टेलर्स एक प्रज्ञा की कहानी है। प्रज्ञा की कहानी मन्नत टेलर जो होती है वो ऐसे शुरू होती है कि शहर कैसे किसी व्यक्ति की रोजी रोटी को खत्म कर देता है, कैसे ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, कैसे कोई छोटा दुकानदार है, छोटा टेलर है, वो खत्म हो जाता है। तो वो जो धीरे धीरे कहानी चलती है और फिर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, और हम देखते जाते हैं कि उस कहानी में हम दरअसल समझ पाते हैं कि शहर की दिक्कतें कहाँ हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति आजीविका कमाने शहर आता ही इसलिए कि उसको लगता है यहाँ असीम संभावनाएं हैं। असीम संभावनाओं का मतलब है कि वो जहाँ जैसे चाहे वहाँ रुक सकता है, रोजगार कमा सकता है, पैसे कमा के फिर अपने घर जा सकता है। पर हम सब जानते हैं कि ये सोचने में अच्छा लगता है। वही जो मैंने कहा कि हम शहर और गांव को बाइनरी में ना देखें। बाइनरी का मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा, या तो शहर खराब होंगे और गांव अच्छे होंगे। तो ये जो गांव अच्छे हैं और शहर खराब है का जो तुलनात्मक अध्ययन होता है, दरअसल उन्होंने हमारी जो दिक्कतों को बढ़ा दिया है। खेतिहर किसानों की समस्याओं पे जब हम लिखते हैं तब हमारे मन में कभी भी गांव का वो रोमांस टूटता नहीं है, क्योंकि हम खेतिहर किसान को गांव से अलग करके रखते हैं। हम खेतिहर किसानों की समस्याएं अलग है, हमें ऐसा लगता है कि खेतिहर किसानों की जो समस्याएं हैं वो रिपोर्टाज लिखने की कहानी के लिए काम के हैं, वो कहानियों लिखने के लिए। जैसे फांस जो उपन्यास संजीव जी ने लिखा, वो दरअसल किसानों की समस्याओं पर ही उन्होंने लिखा कि कैसे वो होता है। तो जो फांस में वो जो चीजें आती हैं वो कहानियों में आना बहुत मतलब वो रहता है। जब आप गाँव की बात करते हैं तो गाँव की परंपराएं, उनके लोग, हमें अपने नानी और दादी का घर याद रहता है, हमें वो खेत याद रहते हैं। तो वो जो खेतों से निकल कर हम यहाँ तक चले आए हैं तो हमें लगता है गांव में जाना है, एक बार गर्मी की छुट्टियों में पहुंच जाना है या किसी शादी ब्याह में जाना है, 4 दिन अच्छे ढोल बज गए, मिठाई खा ली और हम वापस शहर आ गए, और हमारी शहर की जो समस्याएं हैं वो हम उन कुछ दिनों के लिए वहां से निजात पाकर फिर हमें वापस लगता है कि हम वहां लौट पाए। लेकिन शहरों के बीच में जो गांव बसता है, जो उन लोगों के बीच में जो चीजें होती हैं, उसमें एक बहुत अच्छी कहानी मुझे याद आती है। वो कहानी अंजू शर्मा की गली नंबर 2। वो कहानी महानगर में पल रहे एक छोटे से क्लस्टर की कहानी है, एक छोटे से मोहल्ले की कहानी है। उस मोहल्ले की कहानी में एक लड़का है जो मूर्ति बनाता है, लेकिन उसकी अपनी दिक्कतें हैं, वो अपने आप से लड़ता है, उसका कद छोटा है, वो मानसिक स्थिति पे भी बड़ी अच्छी कहानी चलती है, मतलब साइकोलॉजिकल भी। अंजू ने उस कहानी को बड़ा अच्छा पकड़ा है। साइकोलॉजिकल वो कहानी ऐसा चलती है कि हमेशा उसको लगता है कि उसका कद छोटा है और वो बहुत परेशान है और उसको समस्याएं बड़ी है, मतलब, लेकिन वो ये सोच नहीं पाता। तो वो जो महानगर की चकाचौंध है, वो मूर्तिकार है, वो मूर्ति बना रहा है, लेकिन उस मूर्ति बनाने में जो समस्याएं हैं उसके अंदर, जो उसका वो उस चकाचौंध से बिल्कुल अलग है, लेकिन वो छोटे से क्लस्टर में जो रह रहा है उसको ऐसा लगता है कि मतलब मेरा कद छोटा है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन वो आदमकद मूर्तियां बना रहा है। उन आदमकद मूर्तियों को लोग खरीद के ले जा रहे हैं, छोटी मूर्तियां जो घरों में स्थापित हो रही हैं, बड़ी मूर्तियां बड़े पांडालों में स्थापित हो रही हैं, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है उसका द्वंद वो शहर नहीं पकड़ता, क्योंकि शहर के पास उसका टाइम नहीं है, शहर के पास उतनी फुर्सत नहीं है कि वो मूर्तिकार वो समझ सके कि ये इतनी विशाल मूर्तिकार है, उसका मन कितना छोटा सा है, वो कितना मतलब कितने छोटी छोटी चीजों के साथ वो चल के यहाँ तक आ गया है। और वो जो मूर्तियां बना रहा है, वो अपने जो मन की खूबसूरती है वो नष्ट करके वो खूबसूरती उसमें डाल दे रहा है। तो ये जो अंजू ने उस कहानी को चुना है, उस कहानी के लिए, वो जो शहरी कहानियों की हम बात कर रहे हैं वो शहर की कहानी है, लेकिन वो ऐसे क्लस्टर की कहानी है कि वो शहर की चकाचौंध में आई, शहर की चकाचौंध में आने के बाद वो कहानी गली नंबर 2 से मतलब घूमती है, आती है, और गली नंबर 2 में आकर वो कहानी चलती जाती है, और हम उस गली में घूमते हैं और देखते हैं कि महानगर की चकाचौंध में आकर उस कहानी को हम कैसे मतलब उस व्यक्ति को नहीं पकड़ पा रहे हैं जो हमारे बीच में है, हमारे आसपास, हमारे बगल में रह रहा है।
ऐसे ही मतलब अगर हम कंपैरिजन करें इस कहानी के साथ, तो उस छोटे से क्लस्टर की जो कहानी है उसके बरक्स मैं अगर रखूं तो एकदम चकाचौंध वाला इलाका है, बहुत व्यस्त इलाका है, मार्केट है उसमें और दौड़ भाग है, सब कुछ है उस कहानी में। इस कहानी को जब विवेक मिश्र ने बुना था तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोचा था, लेकिन आप ये देखिए कि शहरी कहानियों की जो हम गली नंबर 2 की बात कर रहे हैं उसके बिल्कुल ठीक अपोजिट ये कहानी है। इस कहानी का नाम है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स जो कहानी है, 30 मिनट्स कहानी की खूबसूरती ही ये है कि वो ऐसे चकाचौंध भरे माहौल में चलती है, उतनी तेजी से चलती है जिसके लिए हम कभी सोच भी नहीं पाते। उस कहानी में सबसे अच्छी जो चीज़ होती है कि हम शहरों में रहकर अपने द्वंद्व के साथ रहते हैं, हम अपने साथ ही रहते हैं। अभी फेसबुक पे आप लोग देख रहे हैं कि खूब चैलेंजेस चल रहे हैं कि आप 20 साल में कैसे दिखते थे, साड़ी पहन के कैसे दिखते हैं, यहाँ गए तो कैसे दिखते हैं, छुट्टियों में कैसे जाते हैं, मतलब अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं और लोग उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उस चैलेंज को फेसबुक के साथ शेयर कर रहे हैं, फोटोज शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस कहानी में जो हम शहरी कहानियों की बात कर रहे हैं, मतलब आप देखिए शहरी कहानी में वो चैलेंज खुद को देता है, वो अपने मन में चैलेंज सोचता है, किसी को बताता नहीं है, उसने खुद को चुनौती दी है कि वो अपने खुद को चुनौती देता है कि किसी दिन एक उसकी ऑफिस में काम करने वाली सहकर्मी है और वो सहकर्मी से किसी दिन कहेगा, उसे बताएगा कि वो उससे प्रेम करता है। वो उसको बताना तब चाहता है जब वो उसके घर आएगी और वो रोज़ उसको आमंत्रण देता है, इनवाइट करता है कि 30 मिनट्स कहानी में वो हमेशा बोलता है कि तुम आओ और हम लोग बात करेंगे। जब वो बात करना चाहता है तो वो लड़की हमेशा टाल देती है कि अरे क्या मतलब, उसे लगता है कि तो ये बहुत ही पागल टाइप का है और ये हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। लेकिन एक दिन वो तय करती कि नहीं उसके यहाँ जाना चाहिए। लेकिन इस कहानी की विडंबना देखिए कि वो लड़का रोज़ उस लड़की का इंतज़ार करता है, घर आकर वो रोज़ एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है और हमेशा सोचता है कि जिस दिन पिज़्ज़ा बॉय 30 मिनट्स में नहीं आएगा तो वो फांसी का फंदा लगा लेगा। अब आप देखिए खुद का चैलेंज, उसने किसी को नहीं बताया, कोई फेसबुक नहीं, लेकिन जो डिलीवरी बॉय है उसका चैलेंज ये है कि उसे 30 मिनट्स में पिज़्ज़ा इसलिए पहुँचा देना है क्योंकि उसके वेंडर को उसको पैसे वापस ना करना पड़े, उसकी सैलरी ना कट जाए। वो दो जो चुनौतियां हैं शहर की उनको देखिए आपस में टकराव। लड़की सोच रही है कि ठीक है आज हो जाएगी, पिज़्ज़ा वाला सोच रहा है कि रोज आदमी रोज इसी पते पे आता है, उसको रोज इतनी प्रैक्टिस है सीढ़ियां चढ़ने की, घंटी बजाने की, तो ये आधुनिक जीवन शैली से जो उपजी ऊब है उसके अंदर, जो शहर आ गया है और शहर को उसने आत्मसात कर लिया, लेकिन उसने अपने ढंग से आत्मसात किया। और उसने क्या किया, वो लड़की सीढ़ियां चढ़ रही है, डिलीवरी बॉय फटाफट फटाफट सीढ़ियां चढ़ रहा है क्योंकि समय कम बचा है, वो घंटी बजाए और वो फांसी का फंदा डाल के खड़ा है। लड़की बोलती है ये फ्लैट नंबर कहाँ आएगा, वो बोलता अरे मैं उसी में जा रहा हूँ, मैं रोज जाता हूँ। तो कहती है अच्छा आप वहाँ पिज्जा देने जा रहे हैं, आप पिज्जा मुझे दे दीजिए। बोले नहीं नहीं मुझे देना है, नहीं आप मुझे दे दीजिए, मैं उन्हीं के घर जा रही हूँ। कहता है ये दरवाजा है। ये जो इतनी सी बातचीत में, बस ये जो छोटा सा जो आप कह रहे हैं ना, एक जो कुछ मिनट्स आपके, कुछ सेकंड्स जो रहते हैं, बस वो जो मिनट्स हैं उस लड़के की जान ले लेते हैं। उसे लगता है 30 मिनट्स खत्म, 30 मिनट्स के बाद अब तो कुछ नहीं हो सकता है, और 30 मिनट्स में वो फांसी लगाता है। जब तक वो लड़की घंटी बजाती है तब तक वो फांसी के फंदे पर झूल जाता है। अब आप देखिए ये आधुनिकता, ये शहर, इससे बड़ी विडंबना शायद कोई नहीं होगी। क्योंकि जब युवा गांव से शहर चल के आता है या कस्बे से बड़े शहर में आता है तो उसको हमेशा लगता है कि यहाँ संभावनाएं हैं, लेकिन उसी असीम संभावनाओं में चुनौतियां हैं और साहित्य इन्हीं चुनौतियों को पकड़ने का नाम है। जैसा सपना सिंह की कहानी है, सपना सिंह ने उस चुनौती को पकड़ा है। जैसे हम कहते हैं ना गांव की स्त्रियों पे, तो हमने कह के रखा है कि वो परंपरा का बोझ है, परंपरा वही जिंदा रखे हुए हैं, वही अगर वो परंपरा व्रत त्योहार उत्सव ना मनाए तो शायद हम भूल जाएंगे। मतलब आज भी हमें अगर हमारे घर में कोई ऐसा त्यौहार होता है जो साल में एक बार किसी कोई व्यंजन बनाना है या कोई खास तरह की पूजा करनी है, तो आज भी हम अपने गांव में रहने वाली किसी चाची ताई या अपनी माँ किसी को फ़ोन करके पूछते हैं कि कैसे ये पूजा होगी, हम हमेशा हर साल भूल जाते हैं। नहीं, लेकिन गाँव की स्त्रियों को जो परंपरा का हम बताते हैं ना कि वो वाहक हैं और वो वाहक शहर चल के आ गया है, लेकिन शहर की चुनौतियों को सपना सिंह ने बेहद खूबसूरती से पकड़ा है अपनी कहानी डर में। इस कहानी में आप देखिए कि एक लड़की है, मतलब उसकी माँ उसको देख रही है,
उसकी माँ के परिप्रेक्ष्य से वो कहानी है, और वो जो यात्रा है उस लड़की की जो शहर में पलने बढ़ने की, उस कहानी को सपना सिंह पकड़ती हैं कि कैसे वो लड़की आगे बढ़ती चलती है और कैसे वो देखती चलती है कि अच्छा मतलब मेरी लड़की इतना बदल गई है, लेकिन उस लड़की की अपनी चुनौतियाँ हैं। वो शहर में पलने बढ़ने के अलावा वो देख पा रही है कि कैसे मतलब मैं अगर शहर से बाहर जाती हूँ तो उसके अपने डर हैं, तो उसको उस डर से भी काबू पाना है, उसको उस डर से भी निजात पानी है, उसका आत्मविश्वास डिगना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं डिगना चाहिए वो आत्मविश्वास, क्योंकि यदि वो आत्मविश्वास ही उसकी पूंजी है। आप देखिए शहरों में यदि जो लड़कियां बहुत चुप्पा होकर दफ्तरों में काम करती हैं, उन लोगों को हमेशा बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लड़कियां बदतमीजी का टैग लेके दफ्तर में रहती हैं तो उनको रहता कि नहीं इनसे दूर रहो। आप इस व्यवस्था को तब समझ सकते हैं जब आप किसी ऐसी कामकाजी स्त्री से मिलें जो बहुत ज़्यादा मतलब जहाँ पुरुष सहकर्मी ज़्यादा हों, जहाँ चार या पाँच ही महिलाएँ हों। तो सपना सिंह उस कहानी को जो पकड़ती हैं, सपना सिंह उस कहानी में एक लड़की जो शहर अगर आपको सपना देते हैं ना तो शहर आपको डर भी देते हैं, तो उस डर को सपना सिंह बताती हैं अपने बेटी के नज़रिए से कि कैसे बेटी शहर में अपनी जो सुरक्षा को लेकर चिंतित है, अपने दूसरी चीज़ों को लेकर मतलब चिंतित रहती है, और उसको लगता है कि उसका बचाव वो खुद है, अगर वो सावधानी नहीं रखेगी तो वही जो हम कहते हैं ना वाहन के लिए कहते हैं, वैसा उस लड़की अपने विचारों के लिए सोचती है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो वो दुर्घटना से खुद को बचाने का जो वो है, तो वो अपने लिए, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो अपनी माँ को आके शिकायत करे फिर माँ जाए, या वो ज़माना भी नहीं है कि भाई उसको कहे कि चलो आप घर आके, आप वो व्यवस्था भी नहीं रहे कि अपने भाई को आके कहे कि वो लड़का मुझे फलां छेड़ता है या वो ऐसा करता है। तो यह शहर वाला जो है वो इतनी मार्मिक और अद्भुत कहानी है, उसकी बनावट इतनी महीन और सघन है जिसमें आप महसूस कर सकते हैं कि शहर में पलने बढ़ने वाली लड़की कैसे अपने डर पर काबू पाती है, कैसे अपने डर से निजात पाती है, और कैसे खुद ही खुद चलती चलती है, और उसके बाद उसकी माँ को एक दिन मतलब आश्चर्य होता है कि मतलब उसकी बेटी इतना सोचने लगी, उसके बैग में एक चाकू मिलता है और उसको लगता है कि वो अपने लिए जो मतलब उसकी माँ को हमेशा महसूस होता है कि नहीं ठीक है मतलब अपनी सुरक्षा या अपनी चीज़ें हैं उसको अपने हाथ में रखना चाहिए। इसी तरह प्रज्ञा पांडे ने शहरी कहानियों में एक लिखा है कि लड़कियाँ मछलियाँ नहीं होती, तो जो लड़कियाँ मछलियाँ नहीं होती हैं तो इस कहानी में भी बिल्कुल सपना सिंह की कहानी की तरह है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक जैसी है, लेकिन सपना सिंह की कहानी में अगर लड़की अपने अलग तरह के डर बताती है तो प्रज्ञा पांडे की कहानी में एक अलग तरह का डर आता है। उस डर में जो बात आती है कि उसकी माँ बैग में कॉन्ट्रासेप्टिव्स देखती है तो उसको लगता है कि अगर किसी भी तरह कभी कोई दुर्घटना घट जाए तो चिल्लाने या रोने के बजाय व्यवस्था संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो व्यवस्था कैसे संभाली जा सकती है, वो व्यवस्था ऐसे ही संभाली जा सकती है कि उसको जो उपाय सूझेगा, वो जो चीज़ समझ पाएगी वो वही चीज़ करेगी। तो वो क्या समझ पाती है, उसको लगता है कि किसी दिन बलात्कार हुआ, दुर्घटना है, वो नहीं बचा सकती, तो ऐसी कोई व्यवस्था होने पर, ऐसी कोई दुर्घटना होने पर उसे अपनी जो चीज़ें हैं उसको खुद संभाल कर रखनी होंगी। तो मछलियाँ लड़कियाँ नहीं होती एक नए तरह की कहानी कहती है, नई तरह की लड़कियों की कहानी कहती है, वो शहरी कहानियों में एक अलग ढंग की कहानी कहती है। जैसे मेरी एक अपनी कहानी है मणिकर्णिका, वो भी शहरी कहानी है, लेकिन दरअसल वो शहरी कहानी होते हुए भी उस कस्बे या गांव की कहानी नहीं है, वो उस जगह की कहानी है जहां से लड़कियां हमारे घरों में आती हैं, मदद करती हैं, और जिनको आजकल हम हेल्पिंग हैंड्स बोलते हैं, वो हेल्पिंग हैंड्स की कहानी है। और हेल्पिंग हैंड्स की जो कहानी है उसमें उनकी डर और असुरक्षा है जिससे वो खुद जूझती हैं। तो जूझने वाली इन तीन कहानियों में अगर हम प्रज्ञा पांडे की मछलियाँ लड़कियाँ नहीं होती, लड़कियाँ मछलियाँ नहीं होती, या सपना सिंह की डर देखें, या मेरी कहानी मणिकर्णिका देखें, तो ये कहानी लड़कियों की कहानी है, असुरक्षा की कहानी है। तो ये जो सपने और असुरक्षा को मिला जुला कर हम साहित्य में कहानियाँ रचते हैं, दरअसल यही असली शहरी कहानियाँ हैं, और यही शहर भी है, क्योंकि यही शहर जो होता है ये हमें बताता है कि शहर चकाचौंध में बढ़ रहे हैं, रोशनी बढ़ रही है, ठीक है यहाँ रोशनी बढ़ रही है लेकिन उतना ही अंधेरा बढ़ रहा है, हमारे मनों में डर का अंधेरा है।
बिल्डिंगें बढ़ रही हैं, लेकिन हमारा जो मानसिक द्वंद्व है वो कम होता जा रहा है, हमारा आत्मविश्वास उन बिल्डिंगों हाई राइज बिल्डिंग के मुकाबले इतना कम होता जा रहा है कि हमें लगता है कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा, हम हर चीज़ हम असुरक्षा में जीते हैं। तो ये जो असुरक्षा हमें देती है ना, इसको जो साहित्य पकड़ता है, इसको साहित्य पकड़ता है ऐसे, आप ये देखिए कि हम शहर की जब बात करते हैं या हम जब गांव की बात करते हैं तो गांव में जो लोक संस्कृति और उसकी बात करते हैं तो हमें हमेशा एक मिजाज की बात करते हैं, वो मिजाज ऐसा रहता है कि उस मिजाज से वो कहानियाँ बुनती हैं और बनी जाती हैं। जैसे हम वहाँ की लोक संस्कृति को ले आते हैं, गीत ले आते हैं, वहाँ के छोटी छोटी घटनाएँ ले आते हैं और हम उन मानसिकता की बात करते हैं कि गाँव वाले बहुत लार्ज परस्पेक्टिव में नहीं सोचते हैं, उनका दायरा सीमित होता है। ऐसा नहीं है, आपने कभी सोचा है कि दायरा आता कहाँ से है? ये जो मानसिकता है वो किसी शहर में या गांव में रहने से नहीं होती। जैसे शहर का जो अपना लोकेल होता है, जैसे अंजू लिख रही हैं तो मैं यही बता रही हूँ कि जो शहरों में भी रहने वाली समस्याएं हैं, योगिता यादव की एक बहुत सुंदर कहानी है, योगिता यादव की कहानी बड़ी अच्छी है, उसका नाम है योगिता की कहानी का राजधानी के भीतर बाहर। इस कहानी में दरअसल वो लोकेल पकड़ती हैं, वो मानसिकता पकड़ती हैं, बहनें बहनों की कहानी है योगिता, वो बहनें जो हैं पढ़ने के लिए संघर्ष करना चाहती हैं। अब आप देखिए गांव में भी लड़कियां पढ़ने के लिए संघर्ष करना चाहती हैं, स्कूल दूर है, माता पिता साइकिल पर नहीं जाने देंगे, गाँव के लड़के छिड़ेंगे इसलिए पढ़ाई बंद करवा दी जाएगी, चलो प्राइवेट पढ़ लेना तो इस साल परीक्षा नहीं दे पाए तो अगले साल पढ़ लेना। तो हम बात जो करते हैं, हम बात यही करते हैं कि गांव की समस्या ये है कि लड़कियां पढ़ नहीं पा रही हैं, लेकिन योगिता यादव की कहानी राजधानी के भीतर बाहर, कहानी का शीर्षक से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो राजधानी के भीतर बाहर कहानी में भी वो लड़की का अपना संघर्ष है, वो बस लेके जा रही है, बस में जाना और यूनिवर्सिटी तक पहुँचना उसके लिए अपने आप वो है, मतलब वो एक उसके लिए इतनी बड़ी चुनौती है कि हमें लगता है कि मेट्रो पकड़ के यहाँ चले गए, कॉलेज चले गए, हमें वो लड़कियाँ दिखाई देती हैं जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रही हैं और खूब अच्छा भाषण दे रही हैं, फेसबुक पे आ रही हैं, मेरी तरह लड़कियाँ फेसबुक लाइव कर रही हैं, लेकिन दरअसल पढ़ने के लिए योगिता यादव की जो कहानी है वो इतना मतलब संघर्ष के साथ वो लड़की आगे बढ़ती है राजधानी के भीतर बाहर में, और वो बताती है कि मतलब उसके लिए पढ़ाई, फिर पढ़ाई के बाद शादी, शादी के बाद उसके मतलब उसके अपने चैलेंजेस, उसकी बहनें, उसकी बहनों की शादी, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें योगिता बड़े खूबसूरती से निभाती चलती हैं, और उस असमंजस को भी निभाती हैं कि उस शहरी वातावरण के बीच में, उस शहरी वातावरण के बीच में जो गांव है, जो गांव बसे हुए हैं, हम जानते हैं सभी दिल्ली में भी कितने छोटे छोटे गांव बसे हैं, मुनीर का भी पहले गांव हुआ करता था, अभी बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो योगिता की कहानी जो है राजधानी के भीतर बाहर वो उस कहानी में कि लड़के से लिफ्ट नहीं ले सकते हैं, लड़का चाहता है कि चलो हम तो मैं वहाँ तक छोड़ दें, लेकिन उस विश्वविद्यालय से अपने गाँव शहर के एकदम आउटस्कर्ट्स में जाना, वहाँ से बाहर निकलना, मतलब वो एक संघर्ष के साथ जब वो कहानी चलती है तो हम जो उस मानसिकता की बात कर रहे थे वो मानसिकता यहाँ दिखाई पड़ती है। मतलब शहर में माँ बाप बरसों से रह रहे हैं, पिता पता नहीं कब से आ गए हैं, बेटियाँ दिल्ली जैसे शहर में ही पैदा हुई हैं, मुंबई जैसे शहरों में ही लोग पैदा होते हैं, लेकिन वो अपने गाँव का जो मानसिकता है कि नहीं हमारे गाँव में ऐसा नहीं होता या हमारे शहरों में ऐसा नहीं होता, हमारे परिवारों में ऐसा नहीं होता, तो जो परिवारों के भीतर नहीं होता ना, वो आप चाहे शहर में रहें चाहे गांव में रहें, उस परिवार के भीतर जो नहीं होता उसको तोड़ पाना, उस चेन को तोड़ पाना, उस पिंजरे को तोड़ पाना बहुत कठिन होता है, जिस कठिनाई को योगिता ने बहुत खूबसूरती से अपनी कहानी में रखा है। मानसिकता की अगर मैं बात करूं तो पंकज सुबीर की एक बड़ी अच्छी कहानी है, नए विषय पर भी है, अभी बहुत अच्छी फिल्म आई थी गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ में भी वही बात है कि अपना खून होना चाहिए। पंकज सुबीर की कहानी है, कहानी का नाम ही है हराम कांडा। हराम कांडा कहानी में जो पंकज लिखते हैं तो वही मानसिकता वाली बात करते हैं, आप शहर में रह रहे हैं, निसंतान दंपत्ति हैं, तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है, आप कई तरह के टेस्ट हैं जिनसे पता चल जाता है कि क्या समस्या है, कई तरह की चीज़ें हैं जिससे आप कंसीव कर सकते हैं, IVF सेंटर जाते हैं पति पत्नी दोनों बात कर रहे हैं, दोनों के टेस्ट होते हैं और बाद में पता चलता है, डॉक्टर कहता है कि भाई आपकी एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो
इसका भी बहुत उपाय है, आप डोनर एग ले लीजिए, तो वो समझना चाहते हैं कि दरअसल डोनर एग क्या है। तो बताया जाता है कि कुछ नहीं, डोनर एग जैसे आपकी पत्नी के शरीर में अंडे होते हैं वैसे किसी और भी महिला के अंडे होते हैं, हम उस महिला के अंडे निकालेंगे और वो उससे आपको बच्चा हो जाएगा। पति समझता है कि किसी और का खून, किसी और के जीन्स। अब आप देखिए वही मानसिकता वाली बात, पंकज सुबीर उस कहानी को बहुत ही बिना किसी विमर्श के, बिना किसी बहुत बड़ी बड़ी बातें करके या बहुत तकनीक को समझाए बिना, दरअसल उस साइकोलॉजी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जहां पति सोचता है कि वो घर आके बड़े द्वंद में है कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, फिर उसको लगता है कि नहीं, मतलब हराम के अंडे से तो बेहतर है कि हम बिना बच्चे के रहे, मतलब हमें तो चाहिए ही नहीं, मतलब इससे तो अच्छा है ना, हमारा खून जो है कम से कम वो हमारा खून तो हमारा रहेगा, हम किस लिए हाफ खून उधर का आधा इधर का आधा उधर का करें। और वो तय करते हैं कि नहीं, मतलब बच्चा नहीं होना चाहिए, हराम के अंडे से तो बच्चा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो ये शहर है, नई तकनीक है, नए तरह के डॉक्टर हैं, 100 तरह के टेस्ट हैं, 50 तरह की आपके पास जिसको कहते हैं ऑप्शंस हैं, किसी भी तरह आप गोधरी कर सकते हैं, लेकिन 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 वही लेकिन कि नहीं, वो मानसिकता है कि नहीं, हम उस अंडे को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। आप तकनीक से कुछ भी कर सकते हैं लेकिन तकनीक उस दिमाग को नहीं बदल सकती। अभी तक ऐसा कोई तकनीक नहीं आई है। गीता श्री जी जुड़ गई हैं, मैंने आपकी कहानियों पर और आपके वाया मीडिया पर भी बात कर ली है तो आप उसको बाद में सुनिएगा। तो उस तकनीक की जो हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी अभी फिलहाल शहर ने भी कोई तकनीक नहीं बनाई है। मानव मन के जो द्वंद, जो मनोज कुमार जी लिख रहे हैं, मानव मन मन के द्वंद को मैनेज करने के लिए अभी तक ऐसी कोई तकनीक नहीं बनी कि वो मैनेज हो जाए और हम उसको ये बता सकें कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है। तो वो जो लोक और परंपराएं हम अपने दिमाग में लेकर आते हैं, वो बरसों बरस शहर में ले जाने के बाद भी हम लोग अपना शहर परिवार जीवन जो भी है उसको छोड़ नहीं पाते हैं, हम उस विचार को नहीं छोड़ पाते हैं, हम उस विचार को लंबे समय तक पालते पोसते हैं, फिर हम उसको अगली पीढ़ी में देते हैं, फिर हम उसको अगली पीढ़ी में देते हैं। 3-3 बरस 4-4 बरस बीतने के बाद भी वो जो पीढ़ियां हैं वो फिर अपने लिए एक रास्ता ढूंढती हैं, वो अपने लिए रास्ता ऐसे ढूंढती हैं जैसे अवधेश प्रीत की कहानी चांद के पार चाबी है, शहरी जीवन की कहानी एकदम शहरी, इंटरनेट मोबाइल बच्चे, वो अपने फिर अपने जीवन में ये तकनीक जो क्रांति आ रही है ना, जो हमें लगता है कि हमारी सोच ला रही है, नहीं दरअसल ये क्रांति जो है वो तकनीक ला रही है। और जो हमें लगने लगा है ना कि हम बदल गए हैं शहर आके, हम वैसे ही हैं, हम अपने बच्चों को वैसा ही सिखाते हैं कि यहाँ नहीं जाना, ऐसे बात नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन एक्सपोजर है, मतलब आप ये कहिए कि ब्लास्ट है, इतनी जानकारियां हैं, जानकारियों का इतना ज्यादा प्रवाह है कि बहुत बहुत ज्यादा वो जानकारियां जो आती चलती हैं हमारे दिमाग में, तो वो जो हमारी अगली पीढ़ी है, वो अगली पीढ़ी ने उस जानकारियों को इकट्ठा कर लिया है, अब वो उस जानकारी को छानती है, वो अपने हिसाब से चीजें चुनती है, और वो जो चीजें चुनती है वो आजकल साहित्य में आने लगी है, जैसे चांद के पार चाबी। अवधेश प्रीत ने उस कहानी में चांद के पार चाबी में इन्हीं बच्चों को उठाया है, यही यंग जनरेशन, और वो इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ती चलती है, तब हमें लगता है कि हम वाकई पुरानी पीढ़ी के लोग हैं और एक हमसे भी आगे नई पीढ़ी आ गई है। तो ये जो हमसे आगे वाली पीढ़ी आ गई है, जैसे हमारी पीढ़ी ने क्या सोच पाए, हम क्या सोच पाते हैं शहर के बारे में, हम अपने डर के बारे में सोच पाते हैं, इसलिए वो डर हमें अपने बच्चों में दिखाई पड़ता है, लेकिन अब हमारे बच्चों में डर नहीं है, उनके डर भी बहुत बहुत अलग ढंग के हैं, उनके डर अलग हैं, उनके आत्मविश्वास अलग है और उनके विश्वास अलग हैं, यही एक वजह है कि वो लोग बहुत अलग ढंग से सोचते हैं। तो जो इन अलग ढंग से सोचने वाले लोग हैं वो लोग इन चीज़ों को वो करते हैं, वो लोग उन कहानियों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने जब बात की थी, तो हम जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, तो ग्लोबलाइजेशन की हम जब बात करते हैं तो वो ग्लोबलाइजेशन जैसे प्रज्ञा ने अपनी कहानी में लिखा, तो प्रज्ञा ने जब अपनी कहानी में मन्ना टेलर्स में लिखा, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वो द्वंद है कि ग्लोबलाइजेशन कैसे होना चाहिए, आप समझ रहे हैं। लेकिन जो सपना और प्रज्ञा लिखती हैं, डर और लड़कियां मछलियां नहीं होती, वो एक नई जनरेशन की कहानी लिखती हैं।
उसी जनरेशन की कहानी, जैसे गीता श्री लोक बहुत अच्छा लिखती है, लेकिन मुझे लगता है गीता श्री शहर भी ज्यादा अच्छा लिखती है। प्रार्थना के बाहर उनकी एक कहानी है, आप देखिए वो दो सहेलियों की कहानी है और अंतर्द्वंद की कहानी है। वो लड़की जो चाहती है कि यूपीएससी की तैयारी करे, अधिकारी बने, लेकिन कैसे एक भटकन है, एक भटकन के साथ एक अलग तरह की व्यवस्था है, और उस भटकने की दृष्टि में वो जो दो सहेलियों की आपस की बातचीत है, जिसमें बाद में वो लड़की यूपीएससी में नहीं सिलेक्ट होती है, तो वो जो यूपीएससी में सिलेक्ट ना होना है वो दरअसल उस शहर को ऐसे लेकर आता है कि शहर की चकाचौंध के बीच में जो अपने आप को बचा ले जाता है, उसमें भी जो अपना अनुशासन बचा के ले जाता है, दरअसल वो विजेता होता है। और साहित्य जो है वो यही हमें समझाता चलता है। जब हम किसी कहानी को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमने क्या गलती की, हम क्या नहीं सीख पाए, तो इन जो सीखने वाली बातों को हम बात करते हैं, तो ये जो सीख होती है, दरअसल ये सीख होती है वो साहित्य देता है। तो हम, मैं वही बताना चाहती हूँ कि जब हम लोक की और शहरी कहानियों की बात करते हैं, तो शहरी कहानी में हमें वो शहर दिखाई देता है, तो वो शहर किस तरह से दिखाई देना चाहिए, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे उस कहानी के बाद मुझे कई लोगों ने बहुत फ़ोन भी किए थे, मैंने कहानी लिखी थी, छोटी सी कहानी है ठिकाना, एक लड़का एक लड़की है, और लड़का जो है वो लड़की को किस करना चाहता है, लेकिन लड़की की शर्त है कि थोड़ा एकांत होना चाहिए तब मैं किस करने के लिए दूंगी, अदरवाइज नहीं। तो लड़का बड़ी मिन्नत करता है, तो लड़की बोलती है कि ठीक है एक अच्छी जगह ढूंढ लो। तो आप ये देखिए कि मैं कहाँ तक सोच सकती थी शहर के बारे में। मुझे हमेशा यही लगता था दिल्ली आकर कि यहाँ तो कोई भी एक अच्छा बगीचा ही नहीं है, और यहाँ लड़के लड़की कैसे बैठते होंगे, क्योंकि हम जिस शहरों में आए हैं थोड़े बड़े बगीचे होते हैं, कुछ नहीं तो एकांत वाले रेस्टोरेंट ही होते हैं जो बहुत महंगे नहीं होते, यहाँ तो रेस्टोरेंट में बैठना महंगा है। तो वो लड़का बड़ी कोशिश से बोलता है कि यहाँ चलते हैं, तो वो बोलती नहीं यहाँ बस स्टैंड पर नहीं आऊँगी, यहाँ कभी भी आके बस रुक जाती है, यहाँ नहीं आऊँगी, यहाँ किन्नर आ जाते हैं, इस बगीचे में नहीं आऊँगी, उस जगह नहीं आऊँगी। अंततः लड़का एक बहुत सुनसान रास्ता ढूंढता है, और फिर वो सुनसान जगह में लेके जाता है, तो कह रहा है कि नहीं नहीं देखो दो नशेड़ी है, तो बोले नशेड़ी है तो नशे में है, तुम्हें क्या करना है, नहीं नहीं यहाँ तो कोई भी नहीं है, परिंदा भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ भी किस नहीं करने दे सकती। तो जब ठिकाना कहानी, उसके बाद कई लोगों ने मुझे फोन करके भी कहा कि मतलब तुमने कहाँ कहाँ घुमाया भाई किसको, तो सारा दिल्ली दर्शन ही करवा दिया। तो हम जब ये कहानी ठिकाना की बात करते हैं, तो दरअसल हम वो शहर की विडंबना की बात करते हैं, कि आप सोच के देखिए कि एक लड़का और एक लड़की को बैठने के लिए एकांत ही नहीं है, इतनी चिल्लपों दौड़ भाग, मतलब शांत से शांत जगह भी आप सोच के देखिए तो वहाँ भी कम से कम चार लोग मिल जाएंगे। मतलब शहरों में शांत होने का मतलब भी है कि कम से कम पाँच या चार लोग हों, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ आप आराम से सुकून से बैठ सकें। तो शहर आपको क्या बताता है, शहर फिर आपको उसमें एडॉप्शन बताता है। तो दरअसल आप जब उस सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर आपके बगल में बैठ के कौन कर रहा है उसे आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो दरअसल शहर और गांव का जो कोऑप्टेशन है, कोऑप्टेशन जो है वो हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर शहर है तो शहरों की वजह से गाँव है, और गाँव है तो गाँव की वजह से शहर है, दोनों का सह अस्तित्व है, हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि अलग करना भी नहीं चाहिए। जब शहरी कहानियाँ हम बात करते हैं, तो शहरी कहानियों में शहर के अलग 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 पहलू और हिस्से आते हैं, क्योंकि वो इतने वास्ट, इतने अलग अलग पहलू होते हैं कि वो धीरे 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 परत दर खुलते रहते हैं। जैसे जब हम प्रार्थना के बाहर की बात करते हैं, तो वो एक अलग ढंग की कहानी है। अलग ढंग की इसलिए है क्योंकि वो लड़की प्रतियोगिता परीक्षा देने आई है, उसका अपना संघर्ष है, वो रात दिन क्या सोचती है उसकी कहानी है। जब हम वहाँ अंजू शर्मा की गली नंबर 2 की बात करते हैं, तो हम उस क्लस्टर की बात करते हैं जहाँ चकाचौंध भरी जिंदगी के बीच में वो मूर्तिकार रह रहा है और जिसकी किसी को सूझ नहीं है। अंजू शर्मा पूछ रही है कि ये कहानी ठिकाना का थॉट प्रोसेस कैसे आया था, तो ये थॉट प्रोसेस बहुत अलग ढंग का था। जब मैं पटपड़गंज में रहती थी, तो वहाँ बस स्टैंड था और वो लगभग खाली सा ही रहता था, तो जब मैं शाम को 6 बजे बस से उतरती थी, तो अक्सर एक कपल मुझे वहाँ दिखता था, वो हमेशा लड़का उसका हाथ पकड़ के बैठा रहता था, लड़की हमेशा ऐसे छुड़ाती रहती थी, तो हमेशा सोचती थी कि ये लोग लड़ते ही रहते तो फिर बस स्टैंड पर बैठते क्यों हैं। फिर मुझे याद आया कि बस स्टैंड पर बेचारे कहीं जगह नहीं मिलती होगी। फिर मैंने एक बार इंद्रप्रस्थ पार्क के बारे में सोचा, तो मेरी कलीग ने बताया कि वहाँ कभी जाना मतलब वहाँ बहुत किन्नर होते हैं,
ऐसे बैठे बैठे मैंने सोचा कि अरे मतलब इन लोगों के लिए तो बड़ी समस्या है कि कहीं बैठने के लिए जगह नहीं है। बस स्टैंड पे आप बैठ नहीं सकते हैं, बगीचे में आप जा नहीं सकते हैं, कुछ कुछ बगीचों पे तो इतना बदनामी का टैग है कि वहां अगर आप पकड़े गए तो पुलिस ले जाती है। तो यदि किसी को थोड़ा सा भी निजता या एकांत चाहिए है तो दिल्ली में तो ऐसा कोई निजता या एकांत है ही नहीं। तो मुझे लगा कि एकांत क्या है, ठिकाना ही तो है। तो इसका मतलब आपके पास कोई ठिकाना ही नहीं है जहाँ लड़की का प्रेम से हाथ पकड़ सके। बेचारी लड़की हमेशा हाथ छुड़ा रही और आप हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे वो बड़े मतलब फनी से लगते थे और शायद उनका टाइम भी मैच करता था मेरे टाइम से। तो मैं अक्सर देखती थी बाइक खड़ी रहती थी और लड़का और लड़की बस स्टैंड पर बैठे रहते थे। तो मुझे बड़ा मजा आता था उन लोगों को देख के। और कभी वो नहीं दिखते थे तो मुझे चिंता होती थी कि अरे आज कहाँ गए। तो मैंने काफी लंबा अरसा उन लोगों को देखा और फिर मुझे लगा कि ये कहानी मतलब बस दिमाग में आती गई और मैंने लिख दी। तो जब हम इस कहानी के बारे में बात कर रहे थे तो मैं हमेशा, जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है, जब मेरा पिघली हुई लड़की की पुस्तक का लोकार्पण था पुस्तक मेले में, तब भी मैंने कहा था कि दरअसल मैं गांव में पली बढ़ी नहीं, मैं कभी गांव गई नहीं। तो हम जब बात करते थे कहानियों की तो मेरे पास कभी लोक नहीं, मेरे पास ऐसा कोई गांव का बैकग्राउंड नहीं था। तो मैं गांव बहुत समझती भी नहीं, मतलब वहां मैं गई नहीं तो मुझे पता नहीं कि वहां के लोग क्या सोचते हैं, मुझे वहां की स्थितियां नहीं पता थी। तो मैंने शहरी जीवन की कहानियां लिखना शुरू किया, मतलब मेरे पास वही था। तो मुझे लगा कि जो शहर है वो मतलब उतना भी भागदौड़ और एकांत, जिसको हम बोलते हैं ना, मिला जुला उसका वो है। आप देखिए, हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, मेरी जैसे कहानी है हर शाक को हरियाली का हक है, अपार्टमेंट के लोग आपस में नहीं जानते हैं। क्योंकि अपार्टमेंट देंगे, आप अंदर आए और दफ्तर से और आपने दरवाजा बंद किया और आपके अंदर टीवी है, मोबाइल है, आप उस पे गुम हो गए। तो ये जो गाफिल दुनिया की है, मतलब हमारे यहाँ गांव की तरह तो नहीं कि चौपाल बैठ गई है हम बातचीत कर रहे हैं। तब फिर मुझे ऐसा लगा कि शहर जो है वो थोड़े से अनछुए से हैं, मतलब मैं शहर ही लिख सकती हूँ। तो फिर मैंने शहर लिखा। तो अंजू जिस जो बोल रही है कि हम इसी दृष्टि के कायल हैं, तो ये दृष्टि जो है वो दरअसल मतलब तुम्हारी ऐसी सहेलियों के साथ रह के ही मैंने डेवलप भी की है। तो हर मतलब हर डाल को हरियाली का शक है, यही मतलब वही जो है कि आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन खत्म है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। शहरों में रह के, अपार्टमेंट में बंद रह के तो आप ऐसी कहानी लिख नहीं सकते हैं। तो उन कहानियों को बाहर आना चाहिए कि उस अपार्टमेंट में रहने वाले लोग क्या सोचते हैं, उनका जीवन कैसा होता है। जैसे एक कहानी मैंने लिखी थी सखी साजन, दरअसल वो भी बहुत शहरी कहानी थी और वो लेस्बियन मतलब थीम पर कहानी थी। तो वो मैंने हॉस्टल में रह के महसूस किया था कि बहुत अलग तरह की जिंदगी हो जाती है, बहुत एकांत होता है, बहुत अकेलापन होता है। तो क्या ये अकेलापन किसी दूसरी तरह की स्थितियों को जन्म दे देता है जबकि आप वैसे होते नहीं हैं? तो मतलब जब मैंने महसूस करना शुरू किया कि दो लड़कियां थीं और काफी अच्छा उन लोगों का था और लोग बोलते भी थे उन लोगों के बारे में, तो जब वो लोग अलग हुए और जो बहुत ज्यादा वो जब दूसरी वाली लड़की रोई, तब मुझे बहुत मतलब मुझे पता नहीं कि बहुत दुख हुआ। शायद प्रेमी प्रेमिका भी मतलब अलग अलग होते तो शायद मुझे इतना दुख नहीं होता। वो जो लड़कियां जब अलग हुई, एक लड़की की शादी हो रही थी, तो मुझे लगा कि शायद एकांत ने इन दोनों को इतना नजदीक ला दिया था कि ये लोग समझ बैठे कि हम एक दूसरे से प्रेम कर रहे। प्रेम था नहीं, वो तो शहर की ऊब, अकेलेपन, परिवार से दूर रहना, आपके साथ कोई सहयोगी न होना, साथ न होना, शायद उस उन सारी स्थितियों ने मिलकर एक कॉकटेल बनाया था। उस कॉकटेल ने शायद उन लोगों को इतना नजदीक ला दिया कि उनको महसूस होने लगा कि वो लोग प्रेम करने लगे हैं। तो जब वो प्रेम टूटा तब मुझे लगा कि ये परिस्थिति जन्य है और शायद कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगी स्थिति। और वाकई ठीक हो गई। तब मैंने महसूस किया कि मतलब ये जो प्रेम है ये शहर में पनपा हुआ प्रेम है, जो शहर में ही पनपेगा और शहर में ही सूख जाएगा। मतलब शहर के किसी दरिया में, किसी बस में, किसी मेट्रो में जब वो दौड़ती भागती अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएगी, तब वो शायद वो दूसरी अपनी लड़की को भूल जाएगी। और वाकई हुआ भी वैसे ही। तब फिर मैंने जब सखी साजन लिखी तो वो भी ऐसी ही कहानी है कि लड़की है वो अपनी दुनिया में गुम है, दूसरी लड़की अगर उस चीज से नहीं उबर पाती है तो दरअसल क्या उसके परिणाम होते हैं। तो एक व्यक्ति जो उबर गया है, शायद वो इसलिए उबर गया है क्योंकि उसको पता है
कि ये बहुत परिस्थितिजन्य है, ये बहुत आसान है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ही इन्वॉल्व रह के और जीवन भर आप लैला बने रहें और देवदास बन जाएं। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो शहर में घट जाती हैं, तो ये साहित्य ही उन छोटी छोटी घटित चीजों को बाहर ले आता है। क्योंकि अंजू मुझे याद दिला रही है कि एक मेरी पत्र शैली में लिखी हुई है कहानी, और कई लोग उसको शहजादा बोल देते हैं, लेकिन वो दरअसल है शाहजादा ही, दिल की रानी सपनों का शहजादा। वो भी मैंने काफी उस पर लिखा था, वो पत्र शैली में पूरी कहानियां हैं, और वो भी वही टीनेज लव स्टोरी है, और वो भी शहर में पनपा हुआ प्रेम है, तो चिट्ठियों का आदान प्रदान है, और चिट्ठियों के आदान प्रदान से ही ये चीजें बाहर निकल कर आती हैं कि बाद में पता चलता है लड़की की शादी तय हो गई है, तो लड़का उसको धमकी देता है कि भाई तुम्हारे प्रेम पत्र मैं सार्वजनिक कर दूंगा। तो लड़की बाद में आखिरी में पत्र लिखती है कि मतलब तुम तो कितने दुष्ट हो, मतलब दुष्ट बहुत ही तुम तो खराब हो, मैं तुमसे प्रेम किया और मैं अच्छा पढ़ नहीं पा रही हूँ और तुम अच्छा पढ़ते हो और मेरे को तो अच्छे मार्क्स आते नहीं है, इसलिए मेरे पापा शादी कर रहे हैं और तुम तो ऐसे कर रहे हो, तो बहुत ही खराब बात है। और ये जो व्यवस्था मतलब चलती जाती थोड़ी मजाकिया लहजे में, और मैंने उसमें थोड़ा सा इंदौरी टोन डाला है चूंकि मैं इंदौर की हूँ, तो वो कहानी बड़ी मतलब वैसे ढंग से चलती है, बहुत हल्के फुल्के ढंग से चलती है, और पाठकों को काफी पसंद भी आई थी वो कहानी। तो ये भी दरअसल एक तरह की विडंबना ही है कि टीनेज मतलब आपको समझ है नहीं, आपने प्रेम किया और उसके बाद आपको लगता है कि यार अच्छा घर वर मिल रहा है, लड़का वड़का कमाता है, दूसरा वाला तो बस प्रेम ही कर रहा है, अभी कमा रहा नहीं है, तो वो उसके वो आ जाता है मतलब बढ़िया अपना शादी वादी करके, और लड़की चली जाती है, लड़का खाली हाथ रह जाता है। डॉक्टर सुनीता जान मतलब चाह रही है कि मैं हम मेरा नया संग्रह जो है पिघली हुई लड़की, इसमें कहानी है कुछ इश्क था कुछ हम थे कुछ यायावरी, आप उसकी शायद बात कर रही हैं, पिता पुत्र के संदर्भ वाली कहानी आप बता रही हैं। तो ये कहानी जब पत्र शैली में जो मतलब ये भी इसमें पत्रों का इस्तेमाल है, लेकिन ये पत्र शैली में नहीं है, ये पिता पुत्र के संबंधों पर कहानी है कि कैसे मतलब बेटे को लगता है कि पिता ने उसकी माँ का इलाज नहीं करवाया, ध्यान नहीं दिया, पिता बहुत ज्यादा मतलब लापरवाह थे, वो अपनी दुनिया में गुम रहते थे, और इसी शिकायत की वजह से वो अपने पिता से दूर हो जाता है और जगह जगह भटकता है और अपनी दुनिया खुद बसा लेता है। तो ये जो दुनिया बसाने वाली बात है, तो वही जो है कि चकाचौंध वाली भीड़ में अपने अकेले में रह जाना, तो पिता पुत्र के संबंध में वही बाद में जब उसको खुलासा होता है कि नहीं, जब उसकी माँ बीमार थी तो पिता दौड़े भागे थे और काफी परेशान हुए थे, और अभी भी पिता की अलमारी में से मतलब वो सामान निकालता है, पिता देखते हैं और उसकी बहन उसको बताती है, तब उसको लगता है कि हम लोगों को मतलब मुझसे गलती हुई और अब मुझे पिता के पास जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर सुनीता जी डियर पापा की बात कर रही हैं, डियर पापा तो दरअसल आप ये कहिए कि मैंने अपने ऊपर ही लिखी है ये कहानी, मैंने उसको बेटा बना दिया है। आप जानते ही हैं शहरों में माता पिता के पास बच्चों की पढ़ाई के अलावा और कोई मतलब विकल्प नहीं होता, उनको लगता है बस बच्चों को अच्छा पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उनका सब कुछ दांव पे लगा रहता है बच्चों की पढ़ाई पे, क्योंकि बच्चे अच्छे पढ़ेंगे तभी नौकरी होगी। तो मेरी माँ कुछ इसी तरह की हैं कि उनको लगता था कि अगर साइंस नहीं पढ़ी तो आपका पढ़ना बेकार है, मतलब आपको साइंस तो पढ़नी है। तो और मेरे पापा थोड़े से मतलब लिबरल किस्म के हैं, अभी भी उतने ही लिबरल हैं कि नहीं कोई बात नहीं जो पढ़ना है। तो मैंने अपनी माता जी के दबाव में काफ़ी नहीं मतलब अगर विज्ञान पढ़ना है तो पढ़ना ही है, तो मैंने फिर साइंस लिया था, और मैं बहुत मुश्किलों से साइंस से जूझती हुई आखिर मैंने बीएससी किया, और बाद में मैंने अपनी माता के हाथ जोड़ लिए कि अब मैं ज़्यादा विज्ञान नहीं पढ़ सकती हूँ भाई इससे ज़्यादा। तो पिता पुत्र बल जो मैंने डियर पापा लिखी, तो डियर पापा वैसी ही है कि कैसे होता है, तो उसके पास गांव में खेती नहीं है, जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, मतलब उसके पास ऐसा कोई जड़े ही नहीं है जहां वो लौट सके, क्योंकि सालों पहले तो वो अपना घर छोड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के 2 पीढ़ियों से शहर में रह रहे हैं। तो जो बेटा है, बेटा अच्छा पढ़ के अमेरिका चला गया है, तो जाहिर सी बात है सिबलिंग्स होते हैं तो कंपेरिजन भी होता है पढ़ाई को लेकर। तो मैं आसपास भी देखती थी, मैं अपने साथ भी देखती थी कि मेरे भाई बड़ा अच्छा पढ़ते हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा औसत किस्म की विद्यार्थी थी, तो मैं हमेशा उस दबाव को महसूस करती थी, और विज्ञान के उस दबाव को तो मैंने बहुत बहुत करीब से महसूस किया है। तो मैंने उस पे फिर वो कहानी लिखी है कि पिता कैसे बेटे को समझाता है और बोलता है कि नहीं मतलब इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है अगर तुमने साइंस नहीं भी पढ़ी, बैंक में बेटा आखिरकार बैंक में क्लर्क हो जाता है, लेकिन वो कैसे अपने बेटे को नर्चर करता है, कैसे परवरिश करता है उसकी,
तो वो जो परवरिश का की शैली है, जो वो शैली जो है, वो बेटा चाहता है कि वो अपने बेटे में ट्रांसफर करे, और उसकी पत्नी भी वैसी ही है जैसे उसकी माँ है, कि वही मैथ्स तो आना ही चाहिए, अच्छा साइंस तो आपको पढ़ना ही है, इंजीनियर तो आपको बनना ही है, मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो या तो आप डॉक्टर बनेंगे या आप इंजीनियर बनेंगे, तीसरा तो कोई विकल्प आपके पास है नहीं। तो वो जो शहरी द्वंद है, ये द्वंद शहरी ही है। गांव में भी माता पिता चाहते हैं कि बच्चे अच्छा पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन उनके पास वैसा दबाव नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि मध्यम वर्ग के शहरी माता पिता हर कुछ स्टेक पे लगाते हैं, वो EMI में घर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, मतलब लाखों रुपया देकर बच्चों को पढ़ाते हैं, आजकल फीस कितनी बढ़ गई है, तो उनको लगता है कि जो उन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट ही है, तो बच्चे कम से कम इतना तो कर लें कि अच्छे से पढ़ाई कर लें, अच्छे से नौकरी पे लग जाएं। मतलब अल्टीमेट गोल किसी मध्यम वर्गीय शहरी माता पिता का यही होता है कि उनके जो बच्चे हैं वो एक ठीक ठाक नौकरी करने लगे, और फिर वो वैसा ही जीवन जिए जैसा वो जी रहे थे, कि EMI पे घर खरीदें, EMI पे कार खरीदें, और एक आध बार साल में कहीं या तो देश में घूमाएं या एक आध विदेश यात्रा कराएं, फिर वो अपने बच्चों को वैसे ही विज्ञान पढ़ाएं, फिर उनके बच्चे वैसे ही IIT की रेस में जाएं, फिर उनके बच्चे वैसे ही नौकरी करें और किसी MNC में लग जाएं। तो ये जो द्वंद्व जो होता है वो साहित्य लेकर आता है। तो डियर पापा, मैं सुनीता जी, मैंने वही द्वंद्व को दिखाने की कोशिश की है कि अल्टीमेटली हम एक के बाद एक पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं, तो कौन है वे व्यक्ति जो उस चेन को तोड़ देगा, उस चेन को जो व्यक्ति तोड़ेगा कि चलो बेटा तुम पेंटर बन जाओ, लेकिन पेंटर बनने के संघर्ष हैं, तो वो संघर्ष दरअसल माता पिता को भी बियर करने होंगे, बच्चे अकेले उस संघर्ष को बियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि मतलब बच्चा संघर्ष कर रहा है और आप शांति से रहें, क्योंकि आपको भी अल्टीमेटली लगता है ना कि बच्चे की उम्र हो रही है, तो उसके साथ के सारे लोग व्यवस्थित हो गए, जैसे कि अंजू ने कहा बिल्कुल सही कहा कि पीयर प्रेशर बहुत है, अगर आपके क्लास में बच्चे के क्लास में 5 बच्चे हैं और उसका 5 बच्चों से काफी अच्छा है, तो 45 बच्चे क्लास में क्या कर रहे हैं उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आसपास के जो 5 बच्चे हैं वो दरअसल क्या कर रहे हैं, अगर वो इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, किसी MNCs में चले गए, MBA कर रहे हैं, तो फिर आपको भी लगा कि नहीं MBA करना है या ऐसा करना है। तो ये जो हमने बड़ा सा सपनों का गुब्बारा बना दिया है, तो दरअसल कोई माता पिता नहीं चाहता है, शहरी माता पिता, कि उस सपने के गुब्बारों में कोई पिन चुभो दे, क्योंकि अगर पिन चुभो दी तो आप देखिए वास्तविकता एकदम फट के बाहर आ जाएगी, उनके पास फिर कुछ नहीं है, वो लोग खाली हाथ हैं। तो ये जो खाली हाथ वाली स्थिति होती है ना, ये खाली हाथ वाली स्थिति फिर ऐसी कहानियों को, ऐसी चीज़ों को जन्म देती है, जैसे हम बात कर रहे थे अलग अलग तरह की कहानियों की, तो इन कहानियों में जो चीज़ बात निकल के आती है वो यही बात निकल के आती है कि शहर के द्वंद जो होते हैं वो हमारी मानसिकता को या हमारी सोच को अचानक से ऐसे नहीं बदल देते हैं, हमारी सोच ऐसे एक दिन में एक रात में नहीं बदली जा सकती है, वो इसलिए नहीं बदली जा सकती है क्योंकि अगर आप प्रेमचंद के ज़माने में देखिए, तो आप भले उनको गोदान के लिए याद करें, लेकिन उन्होंने भी शहर लिखा, उन्होंने भी प्रेम के बारे में लिखा, उनकी एक बड़ी अच्छी सी कहानी है, मैं उसका टाइटल भूल रही हूँ, कि दो लड़कियाँ हैं और एक लड़की उससे प्रेम करती है, तो प्रेमचंद भी उस शहर को, उस प्रेम को समझ पा रहे थे, तो वो भी शहर तो लिख रहे थे उस ज़माने में भी, उनको तो पता ही था। आप ये देखिए अगर शहर की कहानियां अगर आप करते हैं तो उस शहर को, इलाहाबाद शहर को कितनी खूबसूरती से, उस प्रेम को जो है गुनाहों का देवता में किया है, गुनाहों का देवता में जो बर्डी कैरेक्टर है जो एंग्लो इंडियन है, तो उस शहर को उन्होंने जो लिखा है हम उसको प्रेम कहानी के तौर पर याद करते हैं कि गुनाहों का देवता प्रेम कहानी है, लेकिन आप देखिए इलाहाबाद शहर, नौकरी, ये सारी चीजें उस कहानी, उस उपन्यास में आती हैं। धर्मवीर भारती भी उस शहर को लेकर लिखते हैं और वो उस प्रेम के साथ मतलब उस शहर को भी साथ चलाते चलते हैं, लेकिन तब हमारी दृष्टि इसीलिए प्रेम पे टिक जाती है क्योंकि उसमें प्रेम का परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन शहर को आप भूल नहीं सकते, उस व्यवस्था को नहीं भूल सकते, उस यूनिवर्सिटी की व्यवस्था को, उन चीजों की व्यवस्था को, क्योंकि अल्टीमेटली उस लड़के को भी जो है नौकरी चाहिए है, तो हम उन चीजों को मतलब माइनस नहीं कर सकते। आप सोच के देखिए कि क्या गुनाहों का देवता प्रेम के साथ साथ शहर की कहानी नहीं है, क्या वो शहरी कहानी नहीं है, वो भी शहरी कहानी है, लेकिन उस शहरी कहानी में मासूम सी एक लड़की जो है वो कैसे पिघल जाती है,
कैसे वो नष्ट हो जाती है। तो दरअसल अगर वो गांव में रहती तो क्या उस पर इतना दबाव रहता, क्या उसके पिता पे इतना दबाव रहता। जैसे एक बड़ी अच्छा लघु उपन्यास है मृदुला गर्ग का, शतरंज बिसात उसका नाम है, वो भी शहरी उपन्यास या शहरी साहित्य का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। बिसात भी शहर में पिता मजिस्ट्रेट या जज ऐसा है उसमें कुछ, और माँ नहीं है बचपन से, भाई बहन है, लेकिन पिता के बोझ, पिता का जो व्यवस्था है, मतलब पिता को भी ये लगता है कि बेटे को ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो उस बोझ के तले जो दब जाता है बेटा, और कैसे शहर का जो बोझ है उस बेटे को दबा देता है, बिसात उसका अल्टीमेट उदाहरण है मृदुला जी का। तो ये जो मैंने बात की है शहर की, तो बिसात और गुनाहों का देवता, आप दोनों को देखिए। गुनाहों का देवता एक अलग तरह का शहर, जीवंत शहर का चित्रण है, और बिसात एक अलग तरह का है। बिसात में भी लड़का जो है वो हमेशा ये सोचता रहता है कि पिता उससे प्रेम नहीं करते हैं, और वो इतना बड़ा घर है, बहुत व्यवस्थित जीवन है, पिता बहुत अच्छी सरकारी ओहदे पर हैं, बड़ा बंगला है, लेकिन शहर की जो चीज़ें हैं वो शहर की चीज़ें उसका व्यक्तित्व ख़त्म कर देती हैं। तो ये जो शहरी कहानियाँ हैं वो कैसे आती हैं, ये हम बात कर रहे थे। तो उपन्यास और कहानियाँ जो हैं वो शहर को भी वैसा ही चित्रण कर रही हैं। शहरी कहानियों ने बहुत, मतलब उपन्यास और कहानियों में शहर का बहुत खूबसूरत चित्रण था, मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए ही, तो मुझे लगता है कि मतलब मैं आप लोगों को संतुष्ट कर पाई, आप लोगों को लगा होगा कि हम लोगों ने कुछ अच्छी कहानियों पर बात की, कि जो गाँव है और जो शहर है, जो लोक है, तो हम, जो मैंने पहले भी कहा था कि हम आप मतलब उस बाइनरी नज़रिए से जब हम उसको देखना बंद करेंगे तब हम दरअसल शहरी कहानियों का असली मर्म समझ पाएंगे, दरअसल हम असली शहर को समझ पाएंगे। आप सब लोग राजपाल एंड सन्स के फेसबुक पे जुड़े, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद, सभी मेरे सभी दोस्तों का आभार कि आप लोग आए, आपने इतना समय दिया, और सपना जी याद दिला रही हैं कि मिलजुल मन तो पूरा शहर ही है। हाँ बिल्कुल, मिलजुल मन भी शहर ही है, लेकिन मतलब मैं बिसात को बहुत वो करती हूँ, हालांकि मिलजुल मन भी एक अलग तरह का शहर है, हालांकि उनका नया जो उपन्यास आया था वो भी एकदम ही शहर निर्भया के ऊपर था, वो बहुत ही अच्छा था। तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ, और आप लोग जुड़े बहुत आभार, मेरी सब सहेलियाँ, पाठक, राजपाल से जुड़े सभी पाठक, सभी लोगों को नमस्कार, आभार आप सब लोगों का। सभी लोगों का आभार और नमस्कार। शैली धन्यवाद सटीक चर्चा के लिए, तुम्हें अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। संतोष मिश्रा जी, नीलिमा, योगिता, गीताश्री, अंजू, सपना, सब लोग जुड़े, डॉक्टर सुनीता, मैं सब लोगों का आभार करती हूँ, और बहुत धन्यवाद, नमस्ते।